नमस्कार साथियों, आप सभी का राजस्थान ट्री की दुनिया चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरे आने वाले वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। दोस्तों, आज हम कक्षा अष्टम के अध्याय 7 जनसंख्या के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। दोस्तों, एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये जो आपको मैं आज जनसंख्या पढ़ा रहा हूँ वो कक्षा में बच्चों को लिखे गए नोट्स के अनुसार हैं। दोस्तों, चलो वीडियो को शुरू करते हैं। भारत में पहली जनगणना, जो भारत में पहली जनगणना कब हुई थी? 1872 में। भारत में पहली संपूर्ण जनगणना कब हुई थी? 1881 ईस्वी में। आपको ये दो बातें ध्यान रखनी है कि पहली जनगणना कब हुई? 1872 में। संपूर्ण पहली जनगणना कब हुई? 1881 में हुई थी। जनसंख्या प्रत्येक 10 साल बाद की जाती है, मतलब जो जनगणना होती है वो कितने साल बाद होती है? 10 साल बाद होती है। किसी भी क्षेत्र की जनसंख्या ही सबसे महत्वपूर्ण संसाधन होती है जो उद्यमशीलता पर निर्भर करती है। मान लो कोई भी क्षेत्र है, उस क्षेत्र का जो सबसे महत्वपूर्ण संसाधन क्या है? वो है जनसंख्या। और जो जनसंख्या भी किस पर निर्भर करती है? वो करती है उद्यमशीलता पर। अब राजस्थान की शहरी जनसंख्या कितनी है और राजस्थान की ग्रामीण जनसंख्या कितनी है? तो राजस्थान की शहरी जनसंख्या है 25% और ग्रामीण जनसंख्या है 75%। कितनी है दोस्तों? 75%। जनसंख्या का वितरण और घनत्व। अब होता है जनसंख्या वितरण क्या होता है या जनसंख्या वितरण किसे कहते हैं? पृथ्वी की सतह पर आबादी का फैलाव। जो पृथ्वी की सतह पर आबादी का फैलाव क्या कहलाता है दोस्तों? वो कहलाता है जनसंख्या वितरण। पृथ्वी पर जनसंख्या वितरण असमान है, मतलब पृथ्वी पर यानी जमीन पर जो जनसंख्या है वो असमान है। कहीं पर ज़्यादा जनसंख्या रहती है, कहीं पर कम जनसंख्या रहती है। जैसे हमने ऊपर भी बात की, शहरी जनसंख्या कितनी है? 25% और ग्रामीण जनसंख्या कितनी है? 75%। तो शहरों में लोग कम रहते हैं और गाँवों में लोग ज़्यादा रहते हैं। अब है सघन क्षेत्र। सघन क्षेत्र क्या होता है दोस्तों? अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्र। जो अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्र को हम क्या कहते हैं? सघन क्षेत्र। उदाहरण के लिए राजस्थान के उत्तरी पूर्वी मैदान, तो राजस्थान का उत्तरी पूर्वी मैदान क्या कहलाता है? सघन क्षेत्र। और दूसरा होता है विरल क्षेत्र। और विरल क्षेत्र क्या होता है? कम जनसंख्या वाले क्षेत्र, जहाँ पर कम जनसंख्या पाई जाती है उस क्षेत्र को हम कहते हैं विरल क्षेत्र। कोई उदाहरण दीजिए गुरु जी। तो सुनिए बच्चों उदाहरण, जैसे थार का मरुस्थल। थार का मरुस्थल मतलब रेगिस्तानी इलाका, जैसलमेर बाड़मेर वाला इलाका है, वहां पर कम जनसंख्या पाई जाती है। अब जनसंख्या घनत्व क्या होता है? तो जनसंख्या घनत्व क्या होता है सुनिए बच्चों। जनसंख्या घनत्व एक मापने की इकाई है। ये क्या है? एक मापने की इकाई है जो किसी स्थान की जनसंख्या एवं उसके क्षेत्रफल, क्षेत्रफल मतलब लंबाई इंटू चौड़ाई, वो भी किस में होना चाहिए? वर्ग किलोमीटर में होना चाहिए, पर निवास करने वालों की संख्या बताता है। जो जनसंख्या घनत्व है वो क्या है? एक तो मापने की इकाई है जो किसी स्थान की जनसंख्या, मतलब किसी स्थान की जो जनसंख्या और उसके क्षेत्रफल, एक तो वहाँ पर जितनी जनसंख्या रह रही है और जहाँ पर जो लोग रह रहे हैं उसका क्षेत्रफल, पर निवास करने वालों की संख्या बताता है। मतलब कितने लोग निवास करते हैं ये हमें कौन बताता है? जनसंख्या घनत्व बताता है। राजस्थान का जनसंख्या घनत्व 200 व्यक्ति प्रति किलोमीटर है। तो राजस्थान का जनसंख्या घनत्व कितना है आपसे पूछ सकते हैं, तो आपको बताना है 200 व्यक्ति प्रति किलोमीटर है। बिहार का जनसंख्या घनत्व, तो बिहार का है 1100 व्यक्ति प्रति किलोमीटर। कितना अंतर है? जैसे राजस्थान का जनसंख्या घनत्व तो 200 व्यक्ति प्रति किलोमीटर है, जबकि बिहार का जनसंख्या घनत्व कितना है दोस्तों? 1100 व्यक्ति
प्रति किलोमीटर है। अबे जनसंख्या घनत्व मापक की इकाई, जो जनसंख्या घनत्व मापक की इकाई क्या है, तो वो इकाई है प्रति व्यक्ति, मतलब जनसंख्या घनत्व मापक की इकाई है व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, मतलब प्रति वर्ग किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं। राजस्थान के पूर्वी समतल मैदान में जनसंख्या घनत्व अधिक होने के कारण, जो राजस्थान का पूर्वी समतल मैदान है वहां पर अधिक जनसंख्या क्यों पाई जाती है, तो सुनिए बच्चों क्यों पाई जाती है। मैदानी भाग में कृषि के अनुकूल परिस्थितियों का होना, मतलब वहां पर कृषि की अच्छी व्यवस्था है इसलिए। दूसरा, देश की राजधानी दिल्ली के निकट होना, जो देश की राजधानी है दिल्ली उसके पास में है। उद्योग परिवहन वाणिज्य की अच्छी सुविधा उपलब्ध होना, वहाँ पर उद्योग भी अच्छे हैं, परिवहन के साधन हैं और वाणिज्य की अच्छी सुविधा है, तो वहाँ पर अधिक जनसंख्या रहेगी। पानी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होना, मतलब पानी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होगा तो वहाँ पर कृषि की जाएगी, और कृषि की जाएगी तो उद्योग लगेंगे, उद्योग लगेंगे तो वहाँ पर अधिक जनसंख्या होगी। यहाँ के मैदान समतल व उपजाऊ होना, यहाँ का जो मैदान है वो समतल और उपजाऊ है, जिसके कारण यहाँ अधिक से अधिक लोग क्या करते हैं, कृषि करते हैं, खेती करते हैं। अब है राजस्थान के पश्चिम भाग में जनसंख्या घनत्व कम होने के पीछे कारण, जो राजस्थान का पश्चिमी भाग है मरुस्थली भाग है वहाँ पर कम जनसंख्या घनत्व क्यों पाया जाता है, तो सुनिए बच्चों, यह मानव की आधारभूत सुविधाओं की कमी है। जो मानव की आधारभूत सुविधा है वो क्या है, रोटी कपड़ा और आवास, यहाँ इसकी कमी है। यहाँ पर जनसंख्या कम निवास करती है, यहाँ पर जनसंख्या भी कम निवास करती है, या पानी की कमी है, या पानी नहीं होगा तो वहाँ कम लोग रहेंगे, ये भी बात सही है। यहाँ की जमीन अनुपजाऊ व रेतीली है, जो यहाँ की जमीन है वो भी उपजाऊ नहीं है। यहाँ परिवहन उद्योगों वाणिज्यों का अभाव है, यहाँ पर उद्योग भी कम है वाणिज्य भी कम है। अब हम पढ़ेंगे जनसंख्या वृद्धि, जनसंख्या वृद्धि क्या होती है या जनसंख्या वृद्धि किसे कहते हैं। जनसंख्या परिवर्तन, अब जनसंख्या परिवर्तन क्या होता है या जनसंख्या परिवर्तन किसे कहते हैं। किसी निश्चित अवधि में जनसंख्या में आए बदलाव, मतलब एक निश्चित अवधि होती है उस अवधि में जो जनसंख्या में बदलाव आते हैं उसको हम बोलते हैं जनसंख्या परिवर्तन। जनसंख्या परिवर्तन जनसंख्या का बढ़ना और घटना है। जनसंख्या परिवर्तन क्या है, तो साधारण शब्दों में हम कह सकते हैं जनसंख्या का बढ़ना और घटना है। जनसंख्या वृद्धि दर, जनसंख्या वृद्धि दर क्या होती है। जनसंख्या परिवर्तन को मापने की इकाई क्या कहलाती है, जनसंख्या वृद्धि दर कहलाती है। अब जनसंख्या वृद्धि दर क्या काम करती है, तो सुनिए बच्चों, ये एक निश्चित अवधि में हुए बदलाव परिवर्तन का आकलन करता है, मतलब जो जनसंख्या में बदलाव या परिवर्तन होता है उसका आकलन कौन करता है, जनसंख्या परिवर्तन या वृद्धि दर। जनसंख्या पतन या ऋणात्मक वृद्धि क्या होती है, अब जनसंख्या का पतन किस प्रकार होता है या ऋणात्मक वृद्धि किस प्रकार होती है, ऋणात्मक मतलब कमी माइनस। किसी कारण से किसी स्थान की जनसंख्या किसी वर्ष वर्ष दशक पिछले वर्ष से कम होना, मतलब जनसंख्या में क्या आनी, कमी आनी, यही बात है कि मतलब पहले जनसंख्या ज्यादा होना और उसके बाद जनसंख्या कम होना, तो जनसंख्या का घटना या ऋणात्मक वृद्धि या जनसंख्या पतन कह सकते हैं। जनसंख्या वृद्धि या धनात्मक वृद्धि, धनात्मक मतलब प्लस का चिन्ह, किसी कारण से किसी स्थान की जनसंख्या किसी वर्ष दशक पिछले वर्ष से बढ़ जाए, मतलब 2001 की जनसंख्या और 2011 की जनसंख्या, जैसे 2001 की जनसंख्या कम थी और 2011 की जनसंख्या ज्यादा है तो उसे हम क्या कहेंगे, जनसंख्या वृद्धि। जनसंख्या वृद्धि की
कारक जनसंख्या वृद्धि के क्या कारक हैं? जनसंख्या वृद्धि दर की तीन प्रमुख कारक हैं। कितने कारक है बच्चों? तीन प्रमुख कारक है। कौन कौन से गुरुजी? तो सुनिए बच्चों, जन्म, मृत्यु और प्रवास। एक तो जन्म है, दूसरा मृत्यु है और तीसरा है प्रवास है। इन तीनों के कारण ही जनसंख्या में परिवर्तन होता रहता है। जन्म के कारण, मृत्यु के कारण और प्रवास के कारण ही जनसंख्या में क्या होता रहता है बच्चों? परिवर्तन होता रहता है। जब जन्म दर मृत्यु दर से कम होती है तब जनसंख्या में कमी आती है, अर्थात जनसंख्या कम होती है। जब क्या होते हैं? मृत्यु दर से जन्म दर कम होती है, जब मतलब जन्म लेने वाले की संख्या कम और मरने वालों की संख्या अधिक हो जाती है, उस समय जनसंख्या में क्या आती है दोस्तों? कमी आती है। अगर मृत्यु दर से जन्म दर कम होती है तब जनसंख्या बढ़ती है, यदि मरने वाले कम हैं और जन्म लेने वाले लोग ज्यादा हैं तब जनसंख्या बढ़ती है। यदि जन्म दर वे मृत्यु दर समान रहती हैं तब जनसंख्या का संतुलन बना रहता है, मतलब जन्म लेने वाले भी बराबर और मरने वालों की संख्या भी बराबर रहती है तब जनसंख्या का संतुलन बना रहता है, मतलब जनसंख्या समान रहती है बच्चों। प्रवास के कारण भी जनसंख्या दर में वृद्धि या कमी आती है। प्रवास यानी यदि प्रवास होता है मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं, उससे भी जनसंख्या में वृद्धि और कमी आती है। मान लो जो भारत के लोग हैं वो अमेरिका चले जाएंगे, तो यदि भारत की जनसंख्या क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी और अमेरिका की जनसंख्या ज्यादा हो जाएगी। अब है प्राकृतिक वृद्धि। अब प्राकृतिक वृद्धि क्या होती है? जन्म और मृत्यु दर की संख्या से जनसंख्या में बढ़त या घटत होती है, उसे बोलते हैं प्राकृतिक वृद्धि। मतलब प्रकृति द्वारा ही जनसंख्या में वृद्धि होना और जनसंख्या में कमी होना, वो कहलाता है प्राकृतिक वृद्धि। प्रवास का अर्थ एवं परिभाषा एवं इसके कारण और परिवहन परिणाम। जो प्रवास के क्या अर्थ होता है, क्या परिभाषा होती है, क्या इसके कारण है और क्या इसका परिणाम है। अर्थ, एक जगह से दूसरी जगह बसना प्रवास कहलाता है। हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? प्रवास बोलते हैं। अब इसकी परिभाषा क्या है? तो सुनिए बच्चों, क्या परिभाषा है? जब कोई व्यक्ति एक गांव से दूसरे गांव, एक शहर से दूसरे शहर, एक राज्य से दूसरे राज्य में बसता है, उसे प्रवास कहते हैं। मतलब एक गांव से दूसरे गांव में, एक शहर से दूसरे शहर में, एक राज्य से दूसरे राज्य में यदि व्यक्ति जाता है या बसता है तो उसे क्या कहते हैं? प्रवास कहते हैं। अब प्रवास क्यों करता है व्यक्ति? बहुत से कारण है, वो क्या क्या कारण है? सामाजिक कारण पहला, दूसरा आर्थिक कारण या धन प्राप्त करने के लिए, राजनीतिक कारणों के लिए भी चला जाता है, और तीसरा है प्राकृतिक आपदा, जैसे बाढ़, भूकंप आदि प्राकृतिक आपदा आती है तब भी व्यक्ति कहाँ चला जाता है? प्रवास करता है। अब इसका क्या परिणाम निकलता है? जनसंख्या दर में बढ़त या घटत होना। यदि लोग प्रवास करेंगे तो जनसंख्या या तो कमी आ जाएगी या जनसंख्या बढ़ जाएगी। अब है उत्प्रवास क्या होता है और आप्रवास क्या होता है। उत्प्रवास एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना क्या कहलाता है? उत्प्रवास कहलाता है। और आप्रवास क्या होता है? एक स्थान से दूसरे स्थान पर आना, तो आप्रवास आयन आना, और उत्प्रवास यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना। अंतर्राष्ट्रीय प्रवास क्या होता है? दो देशों के मध्य होने वाला प्रवास, दो देशों के मध्य जो प्रवास होता है उसे बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय प्रवास। आंतरिक स्थानांतरण प्रवास, आंतरिक या स्थानांतरण प्रवास क्या होता है? देश की सीमाओं के अंदर होने वाले प्रवास को हम क्या बोलते हैं? आंतरिक या स्थानांतरण प्रवास। जनसंख्या वृद्धि दर ज्ञात करने की विधि, हम जनसंख्या वृद्धि दर को कैसे ज्ञात कर सकते हैं? तो इसका एक सूत्र है, जनसंख्या वृद्धि दर का एक सूत्र है, वो आपको याद करना पड़ेगा। 10 साल बाद की जनसंख्या माइनस कर दो 10 साल पहले की जनसंख्या,
बट्टा कर दो 10 साल पहले की जनसंख्या और इंटू कर दो 100, आपको जनसंख्या वृद्धि दर ज्ञात हो जाएगी। जैसे आपको एक उदाहरण दिया हुआ है, जैसे 2011 की जनसंख्या जो आपको यहाँ पर लिखी हुई है, 2001 की जनसंख्या आपको यहाँ लिखी हुई है। अब हमें जनसंख्या वृद्धि दर याद करनी है तो कैसे याद करेंगे? 2011 की जनसंख्या माइनस 2001 की जनसंख्या बट्टा 2001 की जनसंख्या इंटू 100। तो ये देखो, गुणा करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 21.31%, जो क्या है, जनसंख्या वृद्धि दर है। कब की है? 2011 की है। अब अनुकूल जनसंख्या क्या होती है? हमारे देश की जनसंख्या लगातार बढ़ रही है, हम देख रहे हैं लगातार हमारी जनसंख्या बढ़ रही है, लेकिन संसाधन सीमित हैं। लेकिन जो संसाधन हैं वो क्या हैं? सीमित हैं। इस कारण संसाधनों की उपलब्धता में लगातार कमी आ रही है। मतलब जनसंख्या तो बढ़ रही है और संसाधन क्या है, घट रहे हैं। मानव अपनी समस्त आवश्यकता की पूर्ति संसाधनों के माध्यम से करता है। जो मानव अपनी समस्त जरूरतें उनकी पूर्ति किससे करता है? संसाधनों से करता है। लेकिन बढ़ती हुई जनसंख्या और घटते हुए संसाधन के कारण प्राकृतिक संसाधन धीरे धीरे कम हो रहे हैं। जो प्राकृतिक संसाधन है वो क्या हो रहे हैं? धीरे धीरे कम हो रहे हैं। देश में खाद्य सामग्री के उत्पादन में लगातार वृद्धि हो रही है और इसकी तुलना में जनसंख्या की वृद्धि भी बहुत ही हो रही है, जिसके कारण खाद्य सामग्री में संकट होने की पूरी संभावना है। मतलब देश में खाद्यान्न सामग्री को बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है, दूसरी तरफ जनसंख्या भी बढ़ रही है, लेकिन भूमि तो सीमित है जिस पर हम खेती करते हैं, और जनसंख्या लगातार बढ़ रही है वो भी हमारे लिए एक बड़ी समस्या उत्पन्न कर सकते हैं। इस खाद्यान्न संकट से निपटने के लिए कृषि की उत्पादन क्षमता और आधुनिक सिंचाई एवं तकनीकी माध्यमों का सहारा लिया जा रहा है। अब क्या है, जब ये संकट उत्पन्न हो गया तो अब क्या करें? खाद्यान्न संकट से हमें निपटने के लिए एक तो कृषि जो हम खेती कर रहे हैं उसकी उत्पादन क्षमता को बढ़ाना होगा, आधुनिक सिंचाई अपनानी होगी और तकनीकी माध्यम का भी हमें सहारा लेना पड़ेगा। भूमि सीमित है और बढ़ती हुई जनसंख्या की आवश्यकता की पूर्ति के लिए जनसंख्या वृद्धि दर को सीमित करना बहुत ही जरूरी है दोस्तों, बहुत ही जरूरी है। अब हम पढ़ेंगे लिंगानुपात। लिंगानुपात किसे कहते हैं? तो सुनिए बच्चों, लिंगानुपात क्या होता है? प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या को लिंगानुपात कहा जाता है। जो प्रति 1000 पुरुष हैं उनके पीछे जो स्त्रियों की संख्या है, महिलाओं की संख्या है, उसको हम लिंगानुपात कहा जाता है। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का लिंग अनुपात कितना था? तो आपसे पूछ सकते हैं, 928 है, आपको याद रखना है। 6 साल के बच्चों का लिंग अनुपात कितना था? तो 888 था, ये भी आपको ध्यान रखना है। सर्वाधिक लिंग अनुपात राज्य कौन कौन से हैं? तो एक तो है केरल, दूसरा पंडुचेरी, ये भी आपको ध्यान रखना है। लिंग अनुपात से महिलाओं की स्थिति का पता चलता है। लिंग अनुपात से किसका पता चलता है? महिलाओं की स्थिति कैसी है। अब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये क्या है? बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ योजना क्या है? इस योजना की शुरुआत कब हुई? तो जनवरी 2015 को किसने की? भारत सरकार ने की। पहली बात आपको ध्यान रखनी है। दूसरा, इसका उद्देश्य क्या है? बेटियों के शिक्षा द्वारा सामाजिक आर्थिक अधिकार पर आत्मनिर्भर बनाना। मतलब जो महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना, पहला इसका उद्देश्य है। महिला सशक्तिकरण एवं बेटियों के अधिकार को सुनिश्चित करना, मतलब महिलाओं को अपने पैरों पर खड़ा करना। इस योजना द्वारा समाज में विद्यमान कुरीतियों जैसे कन्या भ्रूण हत्या, दहेज प्रथा, बाल विवाह, महिलाओं के प्रति हिंसा आदि को दूर करके समाज में महिलाओं की स्थिति सुधार लाना।
मतलब जो समाज में विभिन्न प्रकार की कुरीतियां हैं, जो बुराइयां हैं, उन बुराइयों को दूर करना है। ये इसका क्या है मुख्य उद्देश्य है। इस योजना घटता हुआ लिंग अनुपात को संतुलित कर महिलाओं के प्रति होने वाले अपराधों से मुक्ति लाकर एक अच्छे समाज की स्थापना करना है। जो महिलाओं का लगातार संख्या घट रही है, उस संख्या में क्या करना, संतुलन स्थापित करना और एक अच्छे समाज की स्थापना करना, यही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का उद्देश्य है, जिसे जनवरी 2015 में भारत सरकार ने लागू की या शुरू की। अब पढ़ेंगे साक्षरता क्या होती है। साक्षरता का अर्थ क्या होता है, साक्षर होना या पढ़ा लिखा होना, ये तो हर किसी को मालूम है। परिभाषा क्या है, किसी देश या राज्य में कितने लोग पढ़े लिखे हैं, उन लोगों को 100 मानकर साक्षर निकालने की इकाई साक्षरता कहलाती है। मतलब एक राज्य है या मान लो देश है, उस देश में जो लोग पढ़ रहे हैं उन सभी लोगों को 100 लोग मानते हैं, और 100 लोगों में कितने लोग पढ़ रहे हैं वो निकालने की इकाई क्या कहलाती है दोस्तों, वो कहलाती है साक्षरता कहलाती है। कुल साक्षरता कितनी है, 66.10%। सर्वाधिक साक्षरता कहाँ पर है, कोटा में कितनी है गुरुजी, 74.6%। कम साक्षरता कहाँ पर है, जालौर में है, 54.9%। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता झुंझुनू में है, सर्वाधिक महिला साक्षरता कोटा में है, कम पुरुष साक्षरता प्रतापगढ़ में है, कम महिला साक्षरता जालौर में। ये बात आपको याद करनी पड़ेगी। अब मैं धार्मिक संरचना क्या है, भारत एक धर्म निरपेक्ष राज्य देश है। इस देश में सभी जाति धर्म के लोग निवास करते हैं, जैसे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन बौद्ध और आदि। मतलब भारत एक धर्म निरपेक्ष राज्य है, यहाँ पर अनेक जाति धर्म के लोग रहते हैं, जैसे हिंदू भी रहते हैं, मुस्लिम भी रहते हैं, सिख भी रहते हैं, ईसाई भी रहते हैं। इन धर्म निरपेक्ष देश में सभी धर्मों के अलग अलग तीर्थ स्थल हैं। सभी धर्मों के अलग अलग क्या हैं, तीर्थ स्थल हैं, जहाँ पर वो जो लोग जाते हैं। जैसे हिंदुओं का तीर्थ पुष्कर, हिंदू लोग कहाँ पर जाते हैं, पुष्कर में जाते हैं, पुष्कर जाते हैं। जैनों का दिलवाड़ा, जैनों का जो तीर्थ स्थल है वो कहाँ पर है, दिलवाड़ा में। इस्लाम का अजमेर शरीफ है, और जो इस्लाम धर्म के लोग हैं उनका तीर्थ स्थल कहाँ पर है, वो है अजमेर में। अजमेर में कहाँ पर है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। 2001 की जनगणना के अनुसार हिंदू धर्मावलंबियों की आबादी 88.5%, मुस्लिम 9.1% एवं अन्य सिख जैन आदि निवास करते थे। कहाँ पर, भारत में करते थे बच्चों। भाषाई परिदृश्य, अब भाषाई परिदृश्य क्या है, राजस्थान में अनेक प्रकार की भाषा बोली जाती है, हम सबको पता है। मारवाड़ी है, मेवाती है, वागड़ी है, ढूंढाती है, शेखावटी और आदि। हिंदी राजस्थान में अधिकतर लोगों द्वारा बोली जाती है। हिंदी भाषा राजस्थान के अधिक लोग बोलते हैं, क्योंकि ये हमारी राजभाषा है। ये भी आपको ध्यान रखना है, ये हमारी क्या है, राजभाषा है। राजस्थान में अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। इन भाषाओं से सामाजिक एवं व्यापारिक लेन देन से एक भाषा दूसरी भाषा से संबंध बनाए लेती हैं। मतलब राजस्थान में जो व्यापार वाणिज्य होते हैं, जैसे जोधपुर वाले मारवाड़ी बोलते हैं, जयपुर वाले ढूंढाती बोलते हैं, यदि इन दोनों के मध्य व्यापार होगा तो इनकी भाषाओं का भी क्या होगा, आदान प्रदान होगा। अब है अनुसूचित जनजातियां क्या होती हैं। अनुसूचित जनजातियां अधिकतर गांव में पहाड़ों पठारों और जंगलों में निवास करते हैं। कहाँ पर निवास करती हैं आपसे पूछ सकते हैं, या तो गांवों में करेंगे, पहाड़ों में, या पठारों में, या जंगलों में। ये जाति खेती मजदूरी जंगल के उत्पादन को एकत्रित करके अपना जीवन व्यतीत करती हैं। राजस्थान की प्रमुख जनजातियां कौन कौन सी हैं, भील गरासिया मीणा और सेरिया हैं। ये आपसे पूछ सकते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट लगा देना कि राजस्थान की प्रमुख जनजातियां कौन सी हैं, तो भील हैं, गरासिया हैं, मीणा हैं और सेरिया हैं। राजस्थान में सर्वाधिक
जनसंख्या मीणा जनजाति के, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा देना दोस्तों। सेरिया राजस्थान की एकमात्र जनजाति है जिसे भारत सरकार ने आदिम जनजाति समूह की सूची में शामिल किया है, ये भी बात आपको ध्यान रखना है। राजस्थान की सबसे प्राचीन जनजाति भील है, ये भी बात आपको ध्यान रखनी है। इनकी भाषा द्रविड़ मुंडा है, दक्षिण में इन भाषा को वागड़ी या भीली भाषा कहते हैं। किस भाषा को, जो भील जनजाति हैं उनकी भाषा को दक्षिण में द्रविड़ या मुंडा कहा जाता है, दक्षिण में इस भाषा को वागड़ी और भीली भाषा भी कहता है। सेरिया शब्द की उत्पत्ति फारसी शब्द सेर से हुई है जिसका अर्थ जंगल या वन में निवास करने वाले लोग हैं। उसका अर्थ क्या हुआ, जंगल या वन में निवास करने वाले लोग। सर्वाधिक सेरिया जनजाति 12 जिले में निवास करती हैं, आपको ध्यान रखना है कहाँ पर निवास करती हैं, 12 में। सेरिया जनजाति कृषि मजदूरी लकड़ी व वन से प्राप्त सामग्री से अपनी आजीविका चलाती हैं। दोस्तों यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करें। जय हिंद।